हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट में से ईमेल एड्रेस या फोन नंबर रिमूव करवाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए। यहां पर काफी सारे जो फेसबुक यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर वे अपने इसको रिमूव करने जाते हैं और कोई दूसरी ईमेल को ऐड करने जाते हैं तो यहाँ पर वह नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट ये है कि क्या पता किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया था और उसने यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस अपनी लगा दी है। अब आप चाहते हैं कि उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ से रिमूव करना, तो यह भी एक आपकी जो है समस्या हो सकती है। दूसरी, यहाँ पर आप जो है अपनी ईमेल एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं क्योंकि जो ईमेल एड्रेस उसमें आपकी ऐड है वह आपके अंडर में अभी वर्किंग नहीं करती है, यानी कि आपको नई लगवानी है क्योंकि पुराने वाली आपके पास नहीं है या फिर वो नहीं चल रही। यही चीजें यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर के लिए भी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और जिस तरह से आप सभी को बताया जाएगा आपको वैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, जो भी मैं आपको मटेरियल जो भी लिंक रहने वाला है वह आप सभी को मिलेगा मेरे ग्रुप पर, जो कि आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा और यह एकदम फ्री ग्रुप है। यहाँ पर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। पहले मैं आप सभी को वह ग्रुप दिखा दूँ कि ग्रुप है क्या, तो आप सभी देख लेंगे। यहाँ पर हमारा यह ग्रुप है, आप सभी देख सकते हैं और यहाँ पर जो है आप लाइव मेरे से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देखेंगे काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो है हेल्प हो रही है और इस तरह से यहाँ पर आपकी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका अलग प्रॉब्लम भी रहती है और वो चाहते हैं कि कोई उनसे पर्सनली कोई यूट्यूबर उनसे बात करे या पर्सनली उनको कोई ऐसा चाहिए होता है जिसके पास थोड़ी नॉलेज हो, तो आप यहाँ पर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर यहाँ पर हमसे बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप्स बताऊँगा आपको वह स्टेप्स फॉलो करने के लिए भी, जो लिंक मैं आपको दूंगा यह वाला लिंक जो है गाइस, ये बड़ा लिंक है, इतना बड़ा लिंक मैं यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा, तो यह लिंक आपको मेरे जो है टेलीग्राम पर ही मिलेगा। साथ ही साथ और भी चीज़ें जो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में वो सभी चीज़ें आपको जाकर जो है ग्रुप पे ही मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपकी ही हेल्प की बात है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखी है ईमेल चेंज करने के ऊपर। अगर आपके अकाउंट में जो है आपका यह चीज़ें अगर आपके पास एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जाकर यह वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी आज की जो वीडियो है उसमें आपको एकदम नया तरीका बताऊंगा और एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस वाले लिंक को जो है ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अपना यह लिंक ओपन कर लिया है। लिंक ओपन करने के बाद आप सभी यहाँ पर जो है देख सकते हैं यह लिंक आप कैसे करना है ओपन, किस तरह से करना है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपना जो फेसबुक अकाउंट है वह सब जगह से लॉगआउट कर देना है। आपको वह लॉगिन करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। उसके बाद आपको यहाँ से जो अपना फेसबुक का जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे क्या होने वाला है जो आप लिंक पर क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आपके जो है क्रोम से खुलेगा और जब वह क्रोम से खुलेगा तो वहाँ पर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन रहेगा। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर हमने जो रिक्वेस्ट करेंगे वह आपके अकाउंट के थ्रू जाएगी। दूसरी बात, आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही करनी है और फिर यहाँ पर आपको वेट करना है 12 घंटे का, 24 घंटे का आपको यहाँ पर वेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डालना क्या है, जल्दी से बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ बढ़िया तरीके से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप सब यहाँ पर देख लेंगे जो हमारी जो सब्जेक्ट रहेगा वह, आप देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके दिखाऊंगा। इसका सब्जेक्ट हमारा ये रहेगा, रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस विद ईमेल एंड फ़ोन नंबर अपडेट, आप ये डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे यह डाल देना है, ये आपका फीडबैक रहेगा। फिर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है चलिए बता देता हूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो फीडबैक है ना, यहाँ पर आपको यह एडिशनल फीडबैक डालना है। ईमेल में आपको वह ईमेल डालना है जो आपको ऐड करवाना है और यहाँ पर कई बार ऐसा होता हो सकता है कि आपका अकाउंट जिसने हैकर ने हैक कराए अपना लगा रखा होगा, तो आप यहाँ पर अपना ओल्ड वाला ईमेल डाल दीजिएगा क्योंकि वो ओल्ड वाला आपके पास भी होगा। ठीक है, अगर आपके उसमें ईमेल नहीं है ऐड तो यहाँ पर आप जो है अपना कोई भी एक नया ईमेल डाल दीजिएगा और याद रखिएगा वह ईमेल किसी और अकाउंट में आपका ऐड नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश ईमेल डालिएगा। यहाँ पिक वन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पिक कर लेना है कि आप आईफोन से कर रहे हैं, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पर अपना एंड्रॉयड फ़ोन से करूँगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए फिर से आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको डिटेल्स में जो है फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ फिर से और यहाँ पर अब आपको अपना नाम डालना है, पूरा फुल नेम जो आपका रहने वाला है। उसके बाद आपको जो करंट ईमेल है, जो मतलब अभी ईमेल उसमें लगी हुई है, आपको यहाँ पर वह डालनी है। और अगर आपको नहीं पता कौन सी ईमेल लगी हुई है तो यहाँ पर आप थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है करंट फ़ोन नंबर डालेंगे,
अगर आपको फ़ोन नंबर हटवाना है तो आप फ़ोन नंबर की जो है रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस करवाना है तो आपको यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस की करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको यह है इशूज़ मैंने बता दिया है, थैंक यू के बाद आप रिगार्ड्स में नीचे अपना फुल नेम, प्रोफाइल का यूज़र नेम और लिंक आप डाल देंगे और यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देंगे। और अगर आपके पास और भी अलग से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट बनाकर मैं आपको खुद ही दे दूँगा, बस आप मुझे ग्रुप पे आने के बाद वहाँ पर बता देना कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट बना दो, मैं आपको इंस्टेंट आपके लिए एक रिक्वेस्ट बनाकर ग्रुप में ही सबमिट सेंड कर दूँगा, जिससे कि ऐसा रहेगा क्योंकि कई सारे लोगों की प्रॉब्लम अलग अलग रहती है। अब जो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाई है ये किसी किसी में ऐसा रहेगा कि हाँ भाई एकदम यही प्रॉब्लम है, और किसी किसी में ऐसा रहेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी अलग है, लेकिन हाँ चेंज तो करवाना है लेकिन अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो वह इसीलिए आप यहाँ पर मेरे से रिक्वेस्ट बनवा लीजिएगा। तो इसीलिए आप जो है टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है और कुछ इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको यह सब चीज़ें करके क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंड पर क्लिक करके आप इसको सेंड कर देंगे, और यह रिपोर्ट आपको सेंड करनी है दो बार, यानी कि एक बार कर दी फिर दोबारा सेंड करना, मतलब बीच में गैप नहीं देना आपको, एक बार सेंड कर दी फिर दोबारा एक दो मिनट बाद दोबारा सेंड कर देना, लगातार दो बार रिपोर्ट सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फिर कुछ नहीं करना 24 घंटे तक, फिर आपको वेट करना है। और अगर यहाँ पर आपका अकाउंट को रिव्यू करेंगे और बाकी में अगर यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम देखेंगे आपके अकाउंट में, और जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सबमिट होने के बाद एक्सेप्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ये आपकी चीज़ें जो है चेंज कर देंगे। तो गाइस ऐसी ही वीडियो आपके लेकर आते हैं, तो अपनी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।